सो हेलो गाइस एंड वेलकम बैक टू माय न्यू वीडियो। आज के इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि आप अपने फ़ोन में टर्बो C++ कैसे चला सकते हैं। हाँ गाइस, आप अपने फ़ोन में टर्बो C++ ऐप चला सकते हैं। इसके लिए मैं आपको सिंपल सी ट्रिक्स बताऊंगा, उसके बाद आप इस ऐप को चला सकते हैं। तो सिंपली आपको अपने फ़ोन में प्ले स्टोर खोल लेना है, सर्च इंजिन में जाना है और टाइप करना है टर्बो सी ड्रॉइड। फ्रेंड्स, ये एप्लीकेशन है, इसे आप इंस्टॉल कर लीजिए। उसके बाद आप यहाँ पर अपने कोड्स रन कर सकते हैं। ऐसे तो मेरे पास पीसी में है टर्बो C++। आपने मेरे कितने वीडियोस में देखा होगा कि मैं पीसी में करके दिखाया हूँ आपको बहुत सारे प्रोग्राम्स। तो बस अगर आप कोई आपके पास कंप्यूटर नहीं है या फिर आपके फ़ोन में आपको चाहिए टर्बो C++ ऐप, तो आप इसे डाउनलोड कर सकते हैं। बहुत ही कमती नेट इस्तेमाल होता है फ्रेंड्स। और इधर एक ख़ास बात है कि इधर कीबोर्ड डेक रखा है आगे से, मतलब कि हमें ऑन स्क्रीन कीबोर्ड फ़ोन में डाउनलोड करके एक्स्ट्रा चलाना नहीं पड़ेगा। इधर पर आगे से कीबोर्ड डेक रखा है, तो बहुत आसान है फ्रेंड्स, आप इसे ज़रूर ट्राई कीजिएगा। इससे बहुत फ्रेंड्स मतलब बहुत हेल्प हो जाती है। अगर आपको कंप्यूटर खोलने वो सब में उतना अच्छा नहीं लगता है, तो आप फ़ोन में इस्तेमाल कर सकते हैं। आशा करता हूँ आपको आज की ये वीडियो अच्छी लगी होगी। अच्छी लगी होगी तो लाइक करना, शेयर करना, और अगर आप नए हो और आपको बेसिक सीखने C++ की, तो मेरे चैनल के प्लेलिस्ट में जाना। मैंने उधर पर C++ फ्रॉम स्टार्टिंग लिखा के एक प्लेलिस्ट बना के रखी है, आप उधर पर जाके देख सकते हैं। आपको पूरा चीज़ उसमें समझ आ जाएगा C++ का बेसिक्स। वैसे भी मैं उसमें और वीडियोज़ अपलोड करूँगा। अगर आप कमेंट करेंगे इस वीडियो पर, आप इस वीडियो पर कमेंट करना, वही क्वेश्चन का मैं आंसर उस वीडियो पे दूंगा। टाइम है 2 दिन का, 2 दिन में अगर आप में से किसी की कमेंट आई तो मैं उसके हिसाब से वीडियो बना दूंगा। और तब तक के लिए बाय। प्लीज़ सब्सक्राइब न्यूज़ यूट्यूबर्स, प्लीज़ बाय।